नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूं जो आप लोग देख के बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि क्या ऐसा कभी हो सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं चावल के बारे में जो हमारे इंडिया में आ गया है। आपको जो राशन में जो मिलता है चावल, उसमें प्लास्टिक की मात्रा होती है। तो मैं आपको आओ दिखाता हूँ प्लास्टिक का चावल और वैसा चावल। तो मैं चलो आपको दिखाता हूँ कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों देख रहे हैं, इसमें कुछ चावल है। ये कोटे से चावल अभी मंगाया है, यहाँ पे देख सकते हैं बोरी में। अभी ये कोटे वाला चावल है। तो यहाँ पे भी चावल देखते हैं, ये देखिए, ये जो चावल है इसमें कुछ प्लास्टिक के भी चावल हैं, देखिए। तो ये देखिए हाथ में ये वाला जो है चावल, ये प्लास्टिक का चावल है, ये देखिए, ये प्लास्टिक का चावल है। और ये वाला जो चावल है ये ओरिजिनल चावल है। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसमें एक चावल उठाएंगे और इसको, दोस्तों जो ये चावल मैं उठा रहा हूँ ये सही चावल है, प्लास्टिक वाला चावल नहीं है, ओरिजिनल है। इसकी पहचान क्या है अभी दिखाता हूँ। इसको एक चावल उठाइए और दांत से दबाओ, इसको दांत से दबाने पे ये देखो ये टूट जा रहा है एक टुकड़ा। और प्लास्टिक वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये है प्लास्टिक वाला चावल, ये देखो, ये प्लास्टिक वाला टूटता नहीं है, दब जाता है। और दिखाता हूँ, थोड़ा गिलास में पानी लाओ तो। अभी और मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे पहचान कर सकते हैं प्लास्टिक का चावल है कि ओरिजिनल खेत का चावल है। ये देखिए, ये टूटा नहीं है, ये पिचक जाता है। जैसे हम प्लास्टिक को मुंह में दबाते हैं तो प्लास्टिक पिचक जाती है, ये उसी तरह से ये पिचक गया है। तो अभी हम, अभी मैं दिखाता हूँ एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करके कि आप कैसे पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखा रहा था ये वाला जो चावल है ये प्लास्टिक वाला है, और ये जो है ये असली चावल है। तो इन दोनों में अंतर, जैसे हर घर में किसी के पास लैब तो होता नहीं है, तो आप अपने घर में चेक कर सकते हैं। ये इसको है, इसको रगड़ने के बाद देखो ये ऐसा पिचक गया है, ये देखो, जिन माताओं बहनों के घर में लैब, हर घर में संभव नहीं है कि लैब हो, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसको रगड़ने पे ये इस तरह आपका प्लास्टिक का बन जाएगा, और इसको गोल गोल करेंगे तो आपको बॉल बन जाएगी। ये बिल्कुल ही चावल नहीं लग रहा है, इसमें से प्लास्टिक निकल रही है। और ये वाला चावल देखिए, आप इसको रगड़ेंगे इस तरह से तो ये जो असली का चावल है ये देखिए एकदम चूरा बन जाएगा। ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं, ये देखिए पूरी तरह से ये टूट के बिखर जाएगा, एकदम चूरा चूरा बन जाएगा। और ये वाला मैंने आपको दिखाया था, और ये वाला जो चावल है बिल्कुल ऐसे बॉल की तरह हो जाएगा, इसको गोल गोल करोगे तो गोल रहेगा, ये टूटेगा नहीं रगड़ने पर। तो हर किसी के पास संभव नहीं है कि लैब हो, तो अपने घर पर इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हैं चावल को, कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है, प्लास्टिक का है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो गवर्नमेंट है उनके पास ये वीडियो पहुंचे और इस पर तुरंत एक्शन लें। इस तरह से हमारे देश में चावल का ये हो रहा है, तो आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप ये दो ग्लास हैं, तो ग्लास में दोनों चावल को भिगो लें, जो प्लास्टिक का लगे उसको भी, और जो ओरिजिनल चावल है थोड़ी देर भिगोने के बाद इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। ये वाला देखिए, ये प्लास्टिक वाला है, और प्लास्टिक वाला कितना भी रगड़ेंगे ये टूटेगा नहीं, और ये वाला पूरा टूट के बिखर जाएगा जो ओरिजिनल चावल रहेगा। तो अभी आपके सामने ये करके दिखाया है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे और जो भी ऐसा काम कर रहा है उसको सज़ा मिले। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं
एक तरफ ये जो छोटे छोटे टुकड़ों वाला है पतला पतला, ये खेत का चावल है, और ये जो साइड में 8-10 चावल पड़े हैं साइड में, ये वाला इधर वाला, ये वाला, ये प्लास्टिक का चावल है। तो इस प्लास्टिक और इस चावल में बहुत अंतर है। जो आपका ये चावल रहेगा ये सफ़ेद सफ़ेद रहेगा बिल्कुल, और ये वाला जो रहेगा थोड़ा मोटा और मटमैला, आपको दूर से ही पहचान जाओगे कि ये प्लास्टिक का है। तो इस तरह से अपना चावल पहचाने कि कौन सा ओरिजिनल है कौन सा लोकल है। तो दांत से दबा के देखें, दांत से दबाने पे जो ये आपका ये वाला चावल है, ये वाला, ये जल्दी टूट जाएगा। और ये जो प्लास्टिक का है साइड में, ये देखिए, ये वाला जो मोटे मोटे चावल दिखाई दे रहे हैं, ये दांत से दबाओगे तो ये टूटेगा नहीं, ये पिचक जाएगा। तो ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है। ये चावल की तरह लगता भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट लगेगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।